लखीमपुर खीरी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दलित प्रधान पुत्र की ट्रैक्टर से घसीटकर हत्या कर दी गई, उसे मौत के घाट उतारा गया है। खेत की रखवाली कर रहे प्रधान पुत्र का गन्ने के खेत में शव मिला है। हत्या की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। ईसानगर थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव का यह पूरा मामला है। तस्वीरें आपके सामने है, बेहद ही दुखद खबर आपको बता दें, हत्या का मामला सामने आया है जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। लखीमपुर खीरी से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल हो गया जब यह पूरी खबर फैली। गांव में पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और पूरे मामले की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। जब गांव वालों को इस खबर की जानकारी मिली तब सभी घटनास्थल पर पहुंचे, पुलिस को इसकी सूचना दी। गांव वालों में भी दहशत का माहौल है। दलित प्रधान पुत्र की ट्रैक्टर से घसीट कर हत्या कर दी गई है। दलित प्रधान पुत्र को ट्रैक्टर से घसीटा गया और फिर मौत के घाट उतार दिया गया। खेत की रखवाली कर रहे प्रधान पुत्र का गन्ने के खेत में शव मिला है। बताया जा रहा है कि प्रधान पुत्र गन्ने के खेत की रखवाली कर रहा था और यहीं पर उसका शव पाया गया है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। ग्राम पंचायत मिर्जापुर में एक व्यक्ति का शव गन्ने खेत में पड़ा है। इस सूचना पर तत्काल SHO और CO द्वारा मौके पर मौजूद है। लाश को लेकर के पंचनामा कार्रवाई की जा रही है और पोस्टमार्टम कार्रवाई के लिए भेजे जा रहे हैं। तहत प्राप्त जैसे होती हैं उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और कारण क्या है, हत्या हुई है नहीं हुई है, हत्या किन कारणों से की गई, इसकी सब जांच की जा रही है। चोट के निशान है क्या शव पे? हाँ बिल्कुल है, और इसमें सब हर दृष्टिकोण से हर एंगल से जांच की जा रही है इसमें। और तहरीर प्राप्त होते ही मुकदमा लिखा जाएगा, मुकदमा लिखने के बाद वैधानिक कार्रवाई से की जाएगी। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ का, जहां के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कोल परिवहन को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। अब ऑफलाइन प्रक्रिया बंद होगी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में ऑनलाइन प्रक्रिया को बंद कर ऑफलाइन किया गया था। खनिज का भौतिक सत्यापन कर ही ई ट्रांजिट पास जारी किया जाता था, इस वजह से परिवहन में लेट होता था। लेकिन अब भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन को ध्यान में रखते हुए कानून निरस्त किया गया है। पिछली सरकार में खनिज विभाग द्वारा एक आदेश जारी हुआ था संचालक के द्वारा 15 जुलाई 2020 को, और इस आदेश के द्वारा ये व्यवस्था दी गई थी कि जिले के खनिज अमले द्वारा ई परमिट का भौतिक सत्यापन करने के बाद ही ई ट्रांजिट पास जारी किया जा सकेगा। इसके पहले जो ऑनलाइन प्रक्रिया थी उसको बंद करके ऑफलाइन किया गया था, जिसके कारण
परिवहन में भी लेट होता था और भ्रष्टाचार का भी उसमें समावेश हो गया था। लेकिन आज मुझे बताते हुए गौरव हो रहा है कि हमारी सरकार पारदर्शिता, भ्रष्टाचार मुक्त एवं सुशासन को ध्यान में रखते हुए उक्त 15 जुलाई 2020 के कानून को निरस्त किया है।